फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल से हैं, आपको आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूं। और मैं काफ़ी लंबे समय से आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी कराता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं, तो मैं आज ये वीडियो यूजीसी नेट के छात्रों के लिए बना रहा हूँ। और उन्हें जो अभी जून में एग्ज़ाम है, 2024 जो जून का एग्ज़ाम है, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से उन्हें पेपर देना होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो साल में दो बार होता है, एक है जून में और दिसंबर में। जो बच्चे अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं और जिनका ये पहला अटेम्प्ट है जून 2024 में, और जो बच्चे एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर है, जैसे कि हम इंग्लिश की तैयारी कराते हैं, तो उसके लिए कुछ पोर्शन ऐसे हैं, हमारे 10 पोर्शन हैं, जिसका पहला जो पोर्शन है पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जो अभी जून के जो बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन 2-4-5-7 दिनों में वह जो पिछले ओल्ड पेपर्स हैं, बस उन्हीं की तैयारी करें। वो 2010 से लेकर के 2024 तक, यानी 14-15 सालों के जो ओल्ड पेपर है, मैं चाहूंगा कि एक बार वो सारे क्वेश्चन उन्हें देखें और पाएं कि किस राइटर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और चूंकि 10 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट है ड्रामा, फिर है पोइट्री, फिर है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, और फिर है नॉन फिक्शनल प्रोज, तो ये जो पहले शुरू के जो चार जो कंटेंट है, आप इन्हें स्पेशली पढ़ो, आप इनको डिटेल में पढ़ो और लाइन टू लाइन पढ़ो, मैं ये सलाह देना चाहूंगा, ताकि इनमें से जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, ये कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। और फिर इनको पढ़ने के बाद आप पिछले जो ओल्ड पेपर्स हैं उनसे इसको मैचअप कीजिए। और फिर इसी में हमारे एक 7th और 8th यूनिट है कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे अभी जून का एग्जाम दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से देख के जाए। और इन 5-7 दिनों में जो पिछले ओल्ड पेपर है, बस उन्हीं की तैयारी कीजिए आप। मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में आपको इससे सफलता मिलेगी। और जिन बच्चों की भी लेटेस्ट तैयारी है, जिन्हें इनके सिलेबस का पता नहीं है, तो पहले तो मैं उन्हें कहूंगा कि इंटरनेट से डाउनलोड सिलेबस डाउनलोड कीजिए, और उस सिलेबस के अनुसार आप कुछ पहले किताबों का संग्रहण कीजिए। और यस कंपटीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, यस कंपटीशन के और ओसवाल के जो हैं वो इसके ओल्ड पेपर्स आते हैं, उन ओल्ड पेपर्स के माध्यम से आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो मैं ये चाहूंगा और मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं कि पूरी तरह से ये जो पेपर है आपका अभी जून वाला, ये पूरी तरह से आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे जब आप ओल्ड पेपर को अच्छे तरीके से सोल्व आउट कर लोगे। और जिनकी अभी लेटेस्ट तैयारी है, मैं चाहूंगा कि वो दिसंबर के लिए ट्राई करे, सिलेबस को अच्छी तरह से समझे, किताबों का संग्रह करें, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें आगे बढ़े। क्योंकि राजस्थान में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है, गहलोत सरकार में ये दो बार निकल चुकी है, दो बार इसके एग्जाम हो चुके हैं, सेट का भी एग्जाम हो चुका है। तो अगर आप कॉलेज व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हैं, पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपको यूजीसी नेट देना ही पड़ेगा। और यूजीसी नेट के थ्रू ही आप कॉलेज लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में आप जा सकते हो और अपने भविष्य को एक नया रूप दे सकते हो। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपको नॉलेज भी रहे। देखो, कई बच्चों की एग्जाम फाइट हो जाती है लेकिन उन्हें नॉलेज रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो इसकी तैयारी ऐसे करें कि नॉलेज के साथ साथ आपको तैयारी होए। अगर आपको नॉलेज रहेगी तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी का कोई बच्चा जो है वो बेरोजगार नहीं रह सकता, चाहे वह सरकारी नौकरी लगे या न लगे, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार नहीं रह सकता अगर उसने नॉलेज के साथ तैयारी करी है। तो मैं सभी इंग्लिश के बच्चों को सलाह देना चाहूंगा कि नॉलेज के साथ में आगे बढ़े।
और आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, लोकसभा एग्जाम खत्म हो चुके हैं और दहलीज पर आ चुकी है हमारी ग्रेड की वैकेंसी, जिसमें ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के जो है बहुत अच्छे पद हैं। कम से कम 10 से 15 हजार पद आएंगे ग्रेड सेकंड के और ग्रेड फर्स्ट के। इसीलिए अपनी तैयारी को पूरे जोर से रखें और इसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखें। जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रहे मैं मेरे बार बार में वीडियो में कहता हूं, आप ये समझ रहे हो कि मैं 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने की जो ये बारिश के मेंढक की तरह जो होते हैं बच्चे, इनका सिलेक्शन नहीं होने जाने वाला। जो बच्चा ग्रामर की, लिटरेचर की, टीचिंग मेथड की और साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में, अगर उसकी तैयारी ओल्ड पेपर को क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अगर कर रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं उसको सिलेक्शन से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए और इसके लिए आप पिछले ओल्ड पेपर्स को संग्रहित कीजिए, पिछले ओल्ड पेपर को सोल्व कीजिए और ये जो एसएससी के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं इनके पेपर्स को भी आप सोल्व कीजिए, ताकि आपको अपनी ग्रामर के लेवल का पता चले कि मेरी, क्योंकि ग्रामर तो सभी में सेम होती है, तो आपको ग्रामर के लेवल का आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए आप जो है वो अंग्रेजी राइटरों के द्वारा लिखी हुई जो अंग्रेजी की किताबें हैं, जैसे कि माइकल स्वान है, जोफ्री लीच है, माइकल टेविन है, इनकी किताबें जो है ये बहुत अच्छी किताबें हैं, इनके माध्यम से जो है आप ग्रामर की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए अब की बार लिटरेचर ज्यादा आई थी, तो मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि लिटरेचर और ग्रामर के पोर्शन को बराबर रख के चले, और फर्स्ट ग्रेड में जो है वो लिटरेचर ज्यादा है, इसीलिए फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उन्हें मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि खुद के नोट्स बनाए, कोचिंगों के नोट्सों पे डिपेंड नहीं रहे। ये कई बच्चों में इतना भी दिमाग नहीं रहता है कि सिलेक्शन कोचिंगों के नोट्सों का भंडार करने से नहीं होता है। आप चीजों को ध्यान से पढ़े और अपने नोट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करें और ऑथेंटिक किताबें ला करके आप इसकी तैयारी करें। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सारण इंग्लिश एकेडमी में हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट की तैयारी हम करवाते हैं, और यहाँ पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो है बेस वो शुरू हो चुके हैं, और मैं उन्हें 2 से 4 घंटे की रेगुलर क्लास लेता हूँ। इन क्लासों में मैं उन्हें ग्रामर की सघन तैयारी और लिटरेचर की पूरी तैयारी कराता हूँ, मैं लाइन टू लाइन उन्हें पढ़ा करके, चाहे कोई नॉवल हो, कोई ड्रामा हो, कोई पोइट्री हो, उसके मैं सारे क्वेश्चन उन्हें करवाता हूँ। तो जिन भी छात्रों को यहां से लाभ लेना है वो जरूर आए और मेरे से जरूर संपर्क करें, कोई सलाह लेनी है उसके लिए मेरे को जरूर कॉल करें, मेरे को जरूर कमेंट करें, मैं उसे बताना चाहूंगा कि किस तरह से वह अंग्रेजी का एक शिक्षक बन सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद है।